兄ちゃん。So, it's been a long time. मेरे ख्याल से मैंने कुछ 10 या 11 दिनों से वीडियो नहीं डाली है, but I guess तुम्हें इस चीज़ की आदत हो गई है. So yeah, welcome back to another One Piece video. क्या मतलब पिछली वीडियो वन पीस पे नहीं थी. खैर चलो टॉपिक पे आते हैं. तुम्हें तो मालूम ही है कि वन पीस वर्ल्ड में सोर्ड्स का कॉन्सेप्ट काफ़ी उलझा हुआ है, और आज के इस वीडियो में हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे. सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि वन पीस वर्ल्ड में सोर्ड्स का मतलब सिर्फ कटाना नहीं है. सैंक्स का सेबर और आर्लोंग का जोन बाटो भी एक सोर्ड ही है. सिर्फ इतना ही नहीं, हॉकाई का कोगा टाना, टैंटो, वाकिजासी जो कि एक कटाना का ही छोटा वर्जन है, और जियान जो कि एक डबल एज्ड सोर्ड है, यानी कि तुम इसके दूसरे तरफ से भी अटैक कर सकते हो. यह सभी सोर्ड्स में ही आते हैं, और इस तरह के और भी हैं. वैसे तो यह काफी कॉमन और रियल लाइफ चीज था, पर जिन लोगों को नहीं मालूम यह उनके लिए था. इस बुढ़ाऊ ने कहा था कि दुनिया में काफी सारे ब्लेड्स हैं, पर कुछ ऐसे खास ब्लेड्स भी हैं जिनको कुछ प्रसिद्ध लोगों ने बनाया है. ऐसे सोर्ड्स को उनके क्वालिटी के बेसिस पर रैंक किया जाता है. ग्रेट सोर्ड्स, स्किलफुल ग्रेट सोर्ड्स, ग्रेट ग्रेट सोर्ड्स एंड द सुप्रीम ग्रेट सोर्ड्स. आगे बढ़ने से पहले हमें क्लासिफाइड सोर्ड्स के बारे में जानना जरूरी है. जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, सोर्ड्स में भी काफ़ी सारे वेराइटीज होते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर क्वालिटीज, शेप्स एंड एट्रीब्यूट्स. वन पीस में सोर्ड्स बेसिकली तीन टाइप्स के हैं, योटो, कोकुटो एंड मेटो. योटो वो श्रापित सोर्ड्स होते हैं जो कि अपने अंदर एक कर्स कैरी करते हैं, यानी कि इन सोर्ड्स का जो यूजर रहता है उसके साथ हमेशा कुछ ना कुछ बुरा होता है, पर इस चीज को ओवरकम किया जा सकता है अगर यूजर का लक ज्यादा अच्छा रहा तो. बट टू बी ऑनेस्ट, यह सिर्फ एक मिथ है, यानी कि लोग सिर्फ ऐसा मानते हैं, क्योंकि थ्रू आउट द स्टोरी वन पीस में किसी तरह का जादू, टोना, श्राप नहीं है. वन पीस में हर चीज का एक रीजन बताया गया है. खैर कितेत्सु 1, कितेत्सु 2 और कितेत्सु 3 तीनों को ही कर्स्ड सोर्ड माना गया है, और किकोकु और सिचिसिकेन भी योटो ही हैं. नेक्स्ट है कोकुटो यानी ब्लैक ब्लेड्स. काफी सारी लड़ाइयां लड़ने के बाद और बार बार आर्मामेंट हाकी से कोट होने के कारण यह तलवारें ब्लैक कलर की हैं. इस टाइप के सोर्ड्स किसी भी नॉर्मल सोर्ड से काफी स्ट्रांग होती हैं, जिनको उनकी मजबूती के लिए जाना जाता है. और ऐसा कहा गया है कि अगर कोई सोर्ड्समैन अपने सोर्ड को ब्लैक ब्लेड में कन्वर्ट करता है तो हो सकता है कि उसका रैंक या फिर उसका ग्रेड बढ़ जाए. यानी कि अगर कोई ग्रेट ग्रेट सोर्ड को ब्लैक ब्लेड में कन्वर्ट करता है तो हो सकता है वह एक सुप्रीम ग्रेट सोर्ड बन जाए. हालांकि यह काफी रेयर केस में होता है, डिपेंड्स ऑन द यूजर कि उसकी हाकी कितनी स्ट्रांग है. अब बात करते हैं मेटो के बारे में, यानी फेम्ड सोर्ड्स. ऐसे सोर्ड्स में काफी अनयूजुअल यानी असाधारण क्वालिटीज होती हैं, जो कि पहले से ही काफी मजबूत और ताकतवर होती हैं, जिसके कारण यह काफी फेमस भी होती हैं, और इसी कारण से इन्हें फेम्ड सोर्ड कहा जाता है. और मेटो में ही हमारे चार टाइप के क्लासिफिकेशन आते हैं. शुरुआत करते हैं ग्रेड सोर्ड से. करेंटली ये अननोन है कि ये कितने हैं, बट बहुत से लोग ये समझते हैं कि कोई भी नॉर्मल सोर्ड एक ग्रेड सोर्ड होता है, और इसीलिए ये इन्फिनाइट है, जो कि कम्प्लीटली गलत इन्फॉर्मेशन है. नॉर्मल सोर्ड और ग्रेड सोर्ड में काफ़ी अंतर है, दोनों बिल्कुल अलग हैं. ग्रेड सोर्ड को भी कुछ गिने चुने प्रसिद्ध लोगों ने ही बनाया है. फॉर एग्जाम्पल तासगी का सोर्ड भी एक ग्रेड सोर्ड है जिसका नाम सी गुरे है, और सेंदाई कितेत्सु या फिर कितेत्सु 3 जो कि एक कर्ज सोर्ड है जिसको जोरो ने लॉकडाउन से लिया था, यह भी एक ग्रेड सोर्ड है. अब नेक्स्ट आते हैं स्किलफुल ग्रेड सोर्ड्स, जिसमें टोटल 50 सोर्ड्स हैं, हालांकि हमें सिर्फ 3 के बारे में ही पता है. कासु जो कि ओरिजिनली मिस्टर 11 का सोर्ड है, हालांकि फिलहाल ये तासगी के पास है. फिर आता है यमाओ रोसी जो कि बेली पायरेट्स के किसी मेंबर का सोर्ड है, हालांकि फिर से तासगी यह सोर्ड उनसे छीन लेती है. पता नहीं तासगी को क्या दिक्कत है, वो तो इन्हें यूज़ भी नहीं करती है. डैम यू तासगी. फिर आता है युबासिरी जिसका यूजर जोरो था, और यह सोर्ड भी उसे लॉकडाउन से ही मिला था, जहाँ पे वो शॉपकीपर उससे खुश होकर उसको ये सोर्ड फ्री में दे देता है. हालांकि अब ये सोर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, याद है ना एनिस लॉबी में क्या हुआ था. खैर अब अगर इस हिसाब से देखा जाए तो स्किलफुल ग्रेट सोर्ड्स 50 नहीं 49 ही बचे हैं. नेक्स्ट है ग्रेट ग्रेट सोर्ड्स, जिसमें टोटल 21 सोर्ड्स आते हैं. यह सोर्ड्स काफी पावरफुल होते हैं, जिनको उनकी शार्पनेस और ड्यूरेबिलिटी के लिए जाना जाता है. अगर ये सोर्ड्स किसी सही सोर्ड्समैन के हाथों में है तो ये सोर्ड सुप्रीम ग्रेड को भी टक्कर दे सकते हैं.
करंटली ये 21 है, पर हमें सिर्फ 5 के बारे में ही पता है, जिसमें से एक का नाम है निदाई केतेत्सु। ऑफ कोर्स सारे केतेत्सु की तरह ये भी एक कर्स्ड सोर्ड है। हाँ, ये वही सोर्ड है जो कि लूफी वानो में लेकर भाग जाता है, एंड गेस व्हाट, वो इसको बिल्कुल हिलेरियस तरीके से यूज करता है। हालांकि फिलहाल ये वापस तेनगुयामा हितेत्सु को मिल चुका है। फिर आता है वादो इचिमोंजी, इसे कौन नहीं जानता। इसे सिमोत्सु की कोजाबुरो ने बनाया था और फिलहाल ये जोरो के पास है। नेक्स्ट है सुसोई, जो कि एक ब्लैक ब्लेड है। ओरिजिनली ये सोर्ड रियुमा का था, उसके बाद ये सोर्ड जोरो को मिलता है और जोरो ये सोर्ड वानो को वापस लौटा देता है, बट बदले में उसे एनमा मिलता है। एज यू गाइज नो, एनमा किसी भी नॉर्मल सोर्ड की तरह नहीं है। जैसा कि हमने एनिमे में भी देख रखा था कि यह सोर्ड यूजर के बॉडी से काफी ज्यादा अमाउंट में आर्मामेंट हाकी एब्जॉर्ब करता है। वेल, ओरिजिनली ये सोर्ड ओडिन का था और उसके बाद ये हियोरी को मिलता है और हियोरी ये सोर्ड जोरो को दे देती है। और मजेदार बात तो यह है कि वादो इचिमोंजी और एनमा दोनों को ही एक ही इंसान ने बनाया है, जो कि है सिमोत्सु की कोजाबुरो। एट लास्ट आमे नो हाबाकिरी, यह सोर्ड भी ओडिन का था और अभी ये उसके बेटे मोमोनोस्के के पास है, जिससे वो लड़कियां मेरा मतलब लकड़ियां काटता है। क्या आप बोल रहा हूं मैं? ओके मोमोनोस्के फैंस, प्लीज डोंट अटैक मी। खैर, अब चलो सबसे बेहतरीन सोर्ड्स पर आते हैं, द सुप्रीम ग्रेड सोर्ड्स, जिसमें टोटल 12 सोर्ड्स हैं। वन पीस वर्ल्ड में यह बिल्कुल हाईएस्ट क्वालिटी ब्लेड्स होती हैं, जो कि लिटरली किसी भी चीज़ को काटने के केपेबल है। योरू हॉकाई का सोर्ड ऑफ कोर्स, अभी तक सुप्रीम ग्रेड में हमें यही एक सोर्ड दिखा है जो कि एक ब्लैक ब्लेड में कन्वर्ट हो चुका है, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बताने की ज़रूरत है कि यह सोर्ड किस चीज़ के केपेबल है। नेक्स्ट है व्हाइट बियर्ड का सोर्ड मुराकुमोगिरी। आई नो तुम यही सोच रहे हो कि ये सोर्ड थोड़ी ना है, बट हु केयर्स, तुमने इस सोर्ड का ड्यूरेबिलिटी तो देखा ही होगा, जब आका इनू का मैग्मा भी इस सोर्ड को पिघला नहीं पाता है। इससे ही पता चलता है कि सुप्रीम ग्रेड सोर्ड्स कोई हल्के में लेने वाली चीज नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज सोदाई केतेत्सु, हाँ एक कर्स्ड सोर्ड। हालांकि ये अब तक कंफर्म तो नहीं किया गया है कि इसे यूज कौन करता है, पर बहुत से लोग ये मानते हैं कि उन 5 एल्डर स्टार्स में से यह बंदा उसे यूज करता है, और मैं भी यही मानता हूँ क्योंकि उसका सोर्ड बाकी के दो केतेत्सु की तरह ही दिखता है। वैसे तो सुप्रीम ग्रेड में 12 सोर्ड्स आते हैं, पर हमें अब तक सिर्फ इन 3 के बारे में ही पता है, बट स्टिल देयर आर सम अननोन ग्रेड्स, जैसे कि सैंक्स का सेबर ग्राइफन या फिर सीरियू का सोर्ड रायू, और इसी तरह के और भी है जिनका ग्रेड्स अब तक अननोन है। अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं तुम्हारे सामने ये सारे सोर्ड्स हैं और तुम्हें इनमें से एक चाहिए, तो तुम कौन सा लोगे और इनका करोगे क्या, कॉमेंट्स में जरूर बताना। सोया, अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक जरूर करना, वैसे भी तुम लोग आजकल लाइक नहीं करते हो, और अगर नए हो चैनल पर तो यार मेरी बाकी की वीडियोस देखो और बताओ कि तुम्हें कैसी लगती हैं। अगर पसंद आती हैं तो यार सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे तुम्हें वन पीस रिलेटेड कंटेंट मिलता रहेगा। तो हाँ यार, डेट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं किसी और वीडियो में।